आज ऑटोकैड 2020 चल रहा है। इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो मशीन एंड मशीन पार्ट्स की ड्राइंग्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग ड्राइंग्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और एरोप्लेन डिजाइनिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कैड के अंदर ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के बाद हम उसको सेव करते हैं, जैसे और भी सॉफ्टवेयर में हम उसको सेव करते हैं, तो उसके एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन की बात की जाए तो जैसे doc.doc बाद में लिखा हुआ आता है, तो doc का मतलब हो गया ये एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा .xls ये एमएस एक्सेल में, और ऑटोकैड का मतलब इस्तेमाल करते हैं .dwg। मान लिया मैंने कोई ड्राइंग बनाई और उसको मैंने सेव कर दिया रवि के नाम से, तो उसमें जो लिखा है लास्ट में रवि.dwg, और जिनमें .dwt लिखा होता है वो होती है हमारी टेम्पलेट फाइल्स। ये पूछ लेते हैं कि एक्सटेंशन क्या है इसका और टेम्पलेट फाइल कौन सी होती है, तो एक क्वेश्चन इसका एक नंबर का यहाँ से आता है। एक क्वेश्चन और आता है एक नंबर में, UCS और WCS दोनों की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। UCS का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम और WCS का मतलब होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी की, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑटोकैड। तो अभी हमने बात की थी CAD कैड कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। अब यदि एक डी के साथ एक डी और लग जाए कैड के साथ डबल डी हो जाए तो उसका मतलब होता है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। यदि कैड की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग, और यदि CADD की पूछी जाती है तो क्या लिखेंगे हम, कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। नेक्स्ट CAM कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग, जो कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। CAE कंप्यूटर एडिट इंजीनियरिंग, CAI कंप्यूटर एडिट इनोवेटिव, NC न्यूमेरिकल कंट्रोल, CNC कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC हमारे यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर है, टूल एंड आई के अंदर, आप वहां पे देख सकते हैं। DNC डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, EDM इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, WC वायर कट भी हमारे पास है वर्कशॉप के अंदर CNC में, मिस्टर भाटिया सर के पास, आप देख सकते हैं। अब जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो जो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आता है, जो स्क्रीन जो हमारी होती है कंप्यूटर की, उसके स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, वो होता है CRT कैथोड रे ट्यूब। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय CRT। नेक्स्ट LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट।